हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं स्प्लेंडर प्लस, हीरो की स्प्लेंडर प्लस है और आज मैं इसका फ्यूल कैलिब्रेशन, जो इस फ्यूल मीटर होता है उसका कैलिब्रेशन करके आपको बताऊँगा कि रिजर्व में इतना जो कंपनी कहती है कि 1 लीटर पेट्रोल रहता है तो क्या 1 लीटर रहता है, 1.5 लीटर, 1.75 लीटर कितना पेट्रोल रहता है, यानी कि रेड जोन में अगर निडल आपकी रहेगी तो कहाँ पर कितना पेट्रोल रहेगा। आप आइडिया का कोई यहाँ पर चांस नहीं है, कोई जगह नहीं है आइडिया की। मैं एग्जैक्ट आपको नाप के लीटर से डाल के इसमें बताऊँगा और फिर मीटर पे दिखाऊँगा कि कहाँ पर कितना पेट्रोल रहता है, तो आप इससे एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि इसमें रिज़र्व कैपेसिटी कितनी है और कहाँ पर कितना पेट्रोल है। आपकी निडल जहाँ पर भी है तो वहाँ से अभी कितना पेट्रोल इसके अंदर बचा हुआ और उसमें कितना आप चल पाएंगे, वो सारे आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, हीरो की स्प्लेंडर प्लस है ये और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 9.8 लीटर का कंपनी कहती है तो, और रिजर्व कहती है कि 1 लीटर है। तो अभी मैंने इसमें से सारा पेट्रोल फ्यूल टैंक में से मैंने निकाल दिया है, इसमें बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, बिल्कुल खाली है ये। और पेट्रोल मैंने कैसे निकाला, क्योंकि BS6 गाड़ी है तो इसमें फ्यूल कॉक नहीं होती, तो फ्यूल कॉक से BS4 गाड़ियों में फ्यूल कॉक से हम पेट्रोल निकाल दिया करते थे, लेकिन इसमें किस तरह से मैंने पेट्रोल निकाला है उसका भी मैं एक वीडियो आपको डालूंगा, उसका एक जुगाड़ है पेट्रोल निकालने का, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैंने अभी इसका सारा पेट्रोल इसमें से निकाल लिया है और मैं आपको यहाँ से की ऑन करके दिखाता हूँ। निडल यहाँ से बिल्कुल भी अपनी पोजिशन से ऊपर नहीं जा रही है, वहीं के वहीं पर है। और मैं गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ आपको। गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है और इसमें बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। अब मैं दोस्तों बारी बारी से इसमें पेट्रोल डालूंगा, पहले 1 लीटर डालूंगा, फिर 0.5 लीटर डालूंगा, उसी हिसाब से पेट्रोल में डालूंगा और किस हिसाब से दोस्तों ये निडल आगे बढ़ती है इसमें रेड जोन की तरफ कितना आगे जाती है, कितना पेट्रोल डालने के बाद, वो मैं आपको जब जब पेट्रोल डालूंगा तब तब मैं आपको दिखाता जाऊँगा। इस टेस्ट में, इस प्रैक्टिकल में मैंने ये मेजरिंग लीटर लिया है और ये 1 लीटर का है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 1000 ml है, ये 500 ml पे मैंने निशान लगाया हुआ है, ये 1000 ml है, 100 ml के इसमें डेविएशन से सारे। तो दोस्तों, मैं इसी से पेट्रोल भरूँगा, इससे नाप के और मैं टैंक के अंदर डालूँगा, तब मैं आपको दिखाऊँगा कि जो फ्यूल मीटर पर जो निडल है वो कहाँ तक आगे जाती है, कितना बढ़ती है। पहले 1 लीटर में कितना बढ़ेगी, फिर उसके बाद हम डालते जाएंगे पेट्रोल, कितना कितना कब कब बढ़ेगी वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। मैंने अब 1 लीटर नाप के, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा 1 लीटर पेट्रोल मैंने भर लिया है और इस 1 लीटर पेट्रोल को मैं फ्यूल टैंक के अंदर डालूंगा। फ्यूल टैंक के अंदर हम कीप की मदद से डालेंगे जैसे कि पेट्रोल हमारा वेस्ट ना हो, फैले ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे मीटर की पोजिशन क्या रहती है और अभी इस कंडीशन में पोजिशन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये मीटर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ई का बिल्कुल कॉर्नर है और मैं यहाँ अब 1 लीटर पेट्रोल डालूंगा, फिर देखते हैं कहाँ पहुँचता है। तो दोस्तों, मैं अब ये कीप की मदद से ये 1 लीटर पेट्रोल इसके अंदर डाल रहा हूँ। मैंने इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया है दोस्तों, अभी मैं ये हटा देता हूँ और की ऑन करूँगा, इसमें की लगाऊंगा। इग्निशन की जब मैं लगाऊंगा तो फ्यूल मीटर हम देखते हैं कितना आगे बढ़ता है। ये मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से और अब मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ, तो अभी देखते हैं कितना निडल हमारी आगे बढ़ती है। पूरा 1 लीटर पेट्रोल हमने इसमें डाला है, थोड़ा सा आगे बढ़ रही है और गाड़ी स्टार्ट हो गई है हमारी। एक लीटर पेट्रोल से तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इस पर बहुत हल्की सी ये मूव हुई है, थोड़ी सी मूव हुई है पहले के मुकाबले। जो ई का जो अपर कॉर्नर है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था ऊपर से, निडल के ऊपर से पहले दिखाई दे रहा था,
अब दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत हल्की सी डिटेल मूव हुई है और एक लीटर पेट्रोल हमारा इसके अंदर जा चुका है। तो दोस्तों गाड़ी का डिटेल अब इससे आगे नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल मैं फ्रंट से आपको दिखाता हूँ सामने से, तो आप आइडिया ज़्यादा अच्छा होगा आपको सामने से देखने पर, साइड से देखने में फ़र्क आता है। तो अब इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ रही है, आप ये देख सकते हैं अभी रेड जोन में एंटर ये नहीं हुई है, ई और रेड जोन के बीच में ही सुई आपकी पहुंची है एक लीटर पेट्रोल में। अब हम नेक्स्ट एक लीटर और डालेंगे इसमें, या ऐसा करते हैं आधा लीटर डालेंगे और उसके बाद फिर आधा लीटर डालेंगे, तब देखते हैं क्या सिचुएशन इसकी रहती है। आधा लीटर और डाल लेता हूँ। दोस्तों हाफ लीटर पेट्रोल मैंने ये और ले लिया है और हाफ लीटर पेट्रोल डालने के बाद हम देखेंगे फ्यूल मीटर की क्या सिचुएशन रहती है। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, तो दोस्तों मैंने आधा लीटर पेट्रोल इसमें और डाल दिया है और अब हमारा पेट्रोल इसके अंदर जा चुका है डेढ़ लीटर। अब डेढ़ लीटर में इसकी क्या सिचुएशन रहती है ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन करके फ्यूल कैप में बंद कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेढ़ लीटर में क्या सिचुएशन रहती है। एक लीटर में तो बहुत हल्की सी जो निडल है सुई है वो उठी थी, डेढ़ लीटर में ये कहाँ पहुँचती है ये देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर रेड लाइन के बिल्कुल एज पर जो आउटर वाला एज है, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आउटर वाला एज है जो ई की तरफ है रेड रेड जोन का, उस पर निडल पहुँच चुकी है डेढ़ लीटर में। तो आई थिंक आप यहाँ से कह सकते हैं रिजर्व में डेढ़ लीटर के करीब पेट्रोल रहता है, जबकि कंपनी ओनर मैनुअल में या गूगल पर जब मैंने सर्च किया तो उसमें बताया गया कि एक लीटर रिजर्व में रहता है। तो अगर हम यहाँ से रिजर्व मानते हैं तो डेढ़ लीटर आपका यहाँ से पेट्रोल आप कह सकते हैं और बिल्कुल रेड जोन के बिल्कुल लास्ट वाले किनारे पर ही है ये, आप यहाँ से ये देख सकते हैं सामने से, बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ आपको ये आप देखिए। तो ये डेढ़ लीटर पेट्रोल डलने के बाद ये सिचुएशन है स्प्लेंडर प्लस। तो दोस्तों ये डेढ़ लीटर पेट्रोल में आपने सिचुएशन देखी, इस फ्यूल मीटर पर क्या सिचुएशन रहती है, रेड जोन के जस्ट एंटर हुई है उसमें रेड जोन में। अभी मैं आधा लीटर पेट्रोल इसमें और डालूंगा यानी दो लीटर इसके अंदर हो जाएगा, दो लीटर में कहाँ निडल पहुंचती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। 500 ml आधा लीटर पेट्रोल मैंने और ले लिया है, इसको मैं अगर ऐड करता हूँ टैंक के अंदर तो दो लीटर पेट्रोल इसके अंदर हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे दो लीटर पेट्रोल में गाड़ी की जो मीटर की सुई है वो कहाँ पहुँचती है। तो ये मैं डाल देता हूँ इसके अंदर पेट्रोल, ये आधा लीटर पेट्रोल इसके अंदर और चला गया है, अब इसके अंदर हो गया दो लीटर पेट्रोल और इसको बंद करके अब हम चेक करते हैं। दोस्तों इसका जो माइलेज है, आप सभी लोग अगर चला रहे हैं स्प्लेंडर तो इसका माइलेज आपको पता ही होगा, इसका माइलेज भी मैं चेक कर चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ, इसका माइलेज टेस्ट भी मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसपे मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था। तो कितना माइलेज इसने दिया था वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। और अब ये दो लीटर पेट्रोल डालने के बाद की सिचुएशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे और बढ़ी है निडल और थोड़ा सा आगे बढ़ी है निडल, इसको चालू रहने देते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कितना आगे बढ़ती है ये।
बहुत हल्की सी मूव हुई है दोस्तों, इसमें जो निडल है बहुत हल्का सा, 1.5 लीटर के बाद जो आधा लीटर और डाला उसमें बहुत हल्की सी आगे को मूव हुई है। तो आई थिंक अभी इसमें हमें और पेट्रोल डालना चाहिए और आगे तक देखना चाहिए कि पूरा रेड जोन कितने में क्रॉस कर पाती है ये वीडियो, ये निडल कितना पेट्रोल और जाता है इसमें कि ये रेड क्रॉस पूरा कवर होगा, रेड जोन पूरा कवर। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हमने पहले 1 लीटर डाला, 1 लीटर में ई और रेड जोन के बीच में निडल आई, फिर आधा लीटर डाला तो रेड जोन पे एंटर हुई, और जब एक आधा लीटर और डाला तो थोड़ा सा रेड जोन में एंटर होने के बाद थोड़ा सा मूव हुई, यानी कि 2 लीटर में अभी रेड जोन के आधे पे भी नहीं पहुंची है। अब मैं सीधा 2 लीटर के बाद सीधा 1 लीटर और डालूंगा इसमें नाप के, और फिर देखते हैं 1 लीटर में रेड जोन को क्रॉस कर पाती है या नहीं कर पाती, और कितना क्रॉस कर पाती, यानी अगर ये 1 लीटर में रेड जोन को क्रॉस कर पाती है तो इसका मतलब 3 लीटर पेट्रोल इसके अंदर पहुंच जाएगा। तो मैं डालता हूं इसमें पेट्रोल, पहले 1 लीटर पेट्रोल मैं नाप लेता हूं दोस्तों, और ये 1 लीटर पेट्रोल मैंने इसमें आप देख सकते हैं 1 लीटर पेट्रोल मैंने और भर लिया है, और ये 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद पूरा 3 लीटर पेट्रोल इसके अंदर हो जाएगा। तो मैं फ्यूल कैप खोल लेता हूँ, और ये टैंक लिड खोलने के बाद इसमें डालते हैं हम 1 लीटर और, फिर इसमें देखेंगे कि जो आपका मीटर की सुई है वो कहाँ पहुँचती है, क्या रेड जोन क्रॉस हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अभी ये मैंने डालना शुरू कर दिया है यहाँ पर, दोस्तों आपकी कोई और भी गाड़ी है जो आप अगर स्प्लेंडर यूज़ नहीं करते, कोई और गाड़ी यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी कौन सी गाड़ी है, मैं उसका भी फ्यूल मीटर का कैलिब्रेशन करूँगा और आपको ये चीज़ें चेक करके बताऊँगा। तो मैंने अभी फ्यूल कैप बंद कर दिया है, और अब देखते हैं गाड़ी को ऑन करते हैं, और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, और ये बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती हुई, और अब ये जो 1 लीटर पेट्रोल डाला है इसमें बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती हुई, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, यानी कि अब हमारा इसके अंदर 3 लीटर पेट्रोल जा चुका है, और 3 लीटर पेट्रोल में जस्ट इसने थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है रेड जोन को, और यह जस्ट बिल्कुल किनारे पर ही है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इसने क्रॉस कर दिया है बिल्कुल, अगर फ्रंट से देखेंगे तो दोस्तों 3 लीटर पेट्रोल अब इसके अंदर जा चुका है, गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में है, इससे आगे अब निडल शायद नहीं जाएगी। और ये रेड जोन को इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा 3 लीटर पेट्रोल इसके अंदर जा चुका है और रेड जोन क्रॉस हो गया है, जस्ट क्रॉस हुआ है वो, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई। तो इसका मतलब ये है कि आपने टैंक फुल करा लिया, टैंक फुल कराने के बाद जब आपकी निडल रेड जोन की तरफ जाती है और जस्ट एंटर करने वाली होती है तो उस वक्त आपकी गाड़ी में 3 लीटर पेट्रोल स्प्लेंडर प्लस के अंदर रहता है। अगर आपकी गाड़ी 60 का एवरेज दे रही है तो 180 किलोमीटर आप चल सकते हैं, उसमें 70 का अगर दे रही है तो 210 किलोमीटर चल सकते हैं। जिसकी गाड़ी जितना एवरेज दे रही है वो सबको आइडिया होता है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने पेट्रोल में कितना गाड़ी चल सकती है। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि रेड जोन पर जैसे ही निडल आती है तो परेशान हो जाते हैं और पेट्रोल पंप की तरफ भागते हैं, तो भागने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाइए और उसमें अपना पेट्रोल पूरा इसमें करवा सकते हैं। तो क्योंकि ये BS6 गाड़ी है, इसके अंदर फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप जो है पेट्रोल टैंक के अंदर डूबा हुआ रहना चाहिए जैसा कि कंपनी कहती है। तो इसलिए मेरा सजेशन दोस्तों आपको यही है कि जब रेड जोन में गाड़ी एंटर करे, इसकी निडल एंटर करे, तो आप पेट्रोल इसमें डलवा लें, लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, एकदम से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी के अंदर बहुत पेट्रोल मौजूद है, इस हिसाब से आप अपना माइलेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें,
दोस्तों अगर आपकी कोई गाड़ी है, आप उसमें चाहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी का ऐसे ही मीटर का कैलिब्रेशन करूं, फ्यूल मीटर का कैलिब्रेशन करूं, तो दोस्तों मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर गूगल फॉर्म भर सकते हैं, क्लिक करके एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी गाड़ी का भी हम इसी तरह से फ्यूल कैलिब्रेशन करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।